ट्रैक डे 3। ये हम अपना हाई कैंप से निकल चुके हैं और आप ऊपर देख सकते हैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का भी पास रहता है, पर वो पास करके फिर समिट है और वो ही हमारी मेन अचीवमेंट है। और अभी फुल ओवरकास्ट है, कल बिल्कुल सनशाइन था, अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे। Absolutely full on energy. So was it tough or? So when it's done, it's not tough. बस यार एक बंदे के सर में दर्द था। हाँ। तो अल्लाह याद आ गया, जब खत्म हो गया तो फिर से वही शुरू हो गया काम उसका। I'm very happy sir. Excellent descent. Specifically हमारा एक बंदा बहुत बीमार था और माशाल्लाह वो घोड़े की तरह ऊपर आया और अब वीडियो बना रहा है। जबरदस्त हो गया। अमेजिंग। मतलब 20 से 15 मिनट पहले हम इन लोगों से आधा घंटा बाद निकले और माशाल्लाह वी रीच्ड फर्स्ट। सर ये भाई हैं, ये आधे डॉक्टर भी हैं फोटोग्राफर के अलावा, इन्होंने भाई की खिदमत की है, विक्स सिक्स लगाई है, कोई इम्पोर्टेड विक्स थी मेरे ख्याल से, है ना? टाइगर बाम इम्पोर्टेड। ये टाइगर बाम, दिस ट्रिप इज ब्रॉट टू यू बाय टाइगर बाम। We did it guys, we did it, congratulations to all, another achievement bro, ye nazar ki by Apex Squad। ye ji sare is waqt 4700 meter ki bulandi pe hain, Ishkamol pass, Naltar pass aur Pakoda pass, pichle 3 din se ye log sirf chalte ja rahe hain। hum logo ne pass kar liya भाईजान, अब जो हमें नीचे जाना है ना। हाँ नीचे है, बहुत खतरनाक। हाँ ऐसे अपने मुंह पे नहीं जाना। किधर से जाना है हम लोगों ने? उसके फुट मार्क पे जाना है और हाथ के नीचे है ग्लेशियर। हाँ दिखाएं वहाँ पे तरफ। हाँ वहाँ दिखाएं, जरा ग्लेशियर है वहाँ पे। यहाँ से हमें नीचे जाना है, देख रहे हैं आप जी, डिसेंडिंग यहाँ से नीचे ग्लेशियर है। फौरन बात घंटे डेढ़ की ना, पूरा घंटे डेढ़ का ग्लेशियर है जो क्रॉस करना है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है तो थिन, ज्यादातर थिन आइस है, नीचे क्रेविसेस है, बहुत गहरा है। यस तो गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, तो अगर गया तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। सर सारा डिसेंड है? सर डिसेंड है और बड़ा खतरनाक डिसेंड है। वो सामने ग्लेशियर है ना? यस। बेसिकली हम लोग वो उस जगह से आए हैं और नाउ दिस इज द पास, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं। दिस इज इश्कमोल पास। हाँ इश्कमोल पास है। इस वक्त हम 4700 मीटर की बुलंदी पे हैं। नल्तर पास। डन इट, वेरी वेरी हार्ड। नल्तर पास क्रॉस करने के बाद हम नीचे आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिसेंड कर लिया है। अब हम पकोड़ा इस्कमान वैली पे आ चुके हैं क्रॉस करके। यहाँ से अभी फर्दर कोई 4 घंटे का ट्रैक है, तो हमारा नाइट कैंप साइट है। ये आई थिंक शानी पीक 1 और 2 है, ये उसकी ग्लेशियर है और इस वक्त हम ये ग्लेशियर को क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, ये देखें बीच में एक क्रावेस है, तो हमने एक लाइन फॉलो करनी है गाइड की, उसी पे हम चल रहे हैं, ना राइट ना लेफ्ट। ये आप देख सकते हैं ऑल ग्लेशियर, ये देखें नीचे बर्फ, सब बर्फ़ है, ये पूरी बर्फ़ है दूर दूर तक, तो आप देखें। तो आजकल गर्मी है तो इसलिए आपको ये देखें, यहाँ पर ये देखें, ये पानी जा रहा, ये पानी जा रहा, ये पूरी ग्लेशियर में पानी पानी जा रहा, जो नीचे
अपना एक और दरिया में जाएगा, वो देखते हैं, आई थिंक वो इस्कोमान रिवर है या दूसरी जगह का क्या नाम था, इस्कोमान है पखोरा, इस्कोमान या पखोरा रिवर होगा। हम लोग थर्ड डे डिसेंड के ऊपर हैं, अब हम अपनी थर्ड डे क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे, और इस टाइम पे टेंट लग रहे हैं हमारे, अभी एक टेंट लगा है, अभी आधी टीम पीछे है। आप वैली का व्यू भी देखें,